दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वेक्टर में दो चार क्लास ही बाकी है, उसके बाद मैं आपको बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज देखें वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। लेक्चर 25। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेट वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। वेक्टर ए और बी जो है ये ओ ए डी बी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स ए और बी बता रहा है। ए परपेंडिकुलर बी डी इज ड्रॉप्ड ऑन वेक्टर ए। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ग्राम इक्वल टू बेस गुने हाइट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और बंधु ये जो हाइट है तो मैं आपसे कह रहा हूं, जरा इसे गौर से देख लें। इंटरएंगल
OBD में अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो आप जानते हैं लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी होगा BD डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। देयरफोर BD जो हो जाएगा आपका, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। तो ये बंधु हाइट हुआ, तो मैं आपको उसी हाइट को बताने जा रहा हूँ। जरा गौर से देख लीजिए, ये हाइट है BD, और ये जो है BD जो है आपको, ये है B साइन थीटा। तो ये हाइट लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। आप जानते हैं इसी का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो बंधु ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। तब हम इसे लिख सकते हैं, दस ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B गिव्स अस द एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम तो बंधु अब मैं आपको छोटा छोटा प्रॉब्लम से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से बता रहा हूं, आप इसे समझें। एग्जाम्पल नंबर वन देता हूं, यू आर गिवन ए रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ 6 and 3 meter respectively, find the angle between their diagonals using dot and cross method। बंधु मैंने यहां पर रेक्टेंगल के डायगोनल के बीच का एंगल बताने के लिए दिया हूं दो मेथड से, पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। देखें OA, B और C,
आपका रेक्टेंगल दिया गया है, इस रेक्टेंगल का लेंथ है 6 मीटर और इसका विड्थ है 3 मीटर। आपको इसके डायगोनल OB और AC के बीच एंगल पूछा गया है। तो बंधु सबसे पहले मैं डायगोनल, इसको अगर D1 कह रहा हूँ तो इस डायगोनल को D2 कहूँगा, और मैं पहला काम करूँगा कि D1 को वेक्टर के फॉर्म में व्यक्त कीजिए यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो देखिए देखो बंधु, इन ट्रायंगल OAB मैं अपना एक्स एक्सिस चूज करता हूं वेक्टर OA के अलोंग, वी चूज आवर एक्स एक्सिस अलोंग वेक्टर ए, एंड वाई एक्सिस अलोंग वेक्टर बी। तो बंधु एक्स एक्सिस अलोंग वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस अलोंग वेक्टर वी, अलोंग वेक्टर वी। देखो बंधु इन ट्रायंगल OAB from triangle law, इस ट्रायंगल में OAB में मैं बहुत ज्यादा जोर दिया हूं ट्रायंगल लॉ पर। ये आप कह सकते हैं कि OB इक्वल टू OA प्लस AB। तो देखो बंधु ये OB जो है D1 के बराबर है। मैंने यूनिट वेक्टर में आपको बताया है एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुना ए यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं OA लूंगा और एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग आई चुनना सिखाए हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे चुनना सिखाए हैं, यूनिट वेक्टर आई एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुने यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। देखो बंधु OA का मैग्नीट्यूड 6 है तो हम इसे लिखेंगे 6 I, और AB का मैग्नीट्यूड 3 दिया गया है तो इसे हम लोग लिखेंगे 3J। तो ये बंधु हो गया D1। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका X कंपोनेंट क्या होगा तो आप जवाब देंगे 6, Y कंपोनेंट पूछूंगा तो आपका उत्तर होगा 3। ठीक इसी तर्ज पर हम D2 को लिख सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल एओसी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर D2 होगा AO प्लस OC।
मैंने आपको बताया है कि एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुना ए यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो ये एओ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एओ, और यूनिट वेक्टर देखिए यह निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यूनिट वेक्टर चुनेंगे हम लोग माइनस आई। एनी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुने यूनिट वेक्टर, देखिए ओसी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है जे, तो हम इसे लिखेंगे जे। अब देखिए इसका एओ का तो मैग्नीट्यूड 6 है, यूनिट वेक्टर माइनस आई हुआ, ओसी का मैग्नीट्यूड 3 है, यूनिट वेक्टर जे हुआ, इसे हम लोग लिखेंगे -6i प्लस लिखेंगे 3j। तो बंधु ये मैंने आपको d2 निकाला है, इसका अगर x कंपोनेंट पूछा जाए तो आप जवाब दोगे -6, अगर y कंपोनेंट पूछा जाए तो वह j का कोफिशियंट y कंपोनेंट कहलाता है, i का कोफिशियंट यहाँ -6 है वो x कंपोनेंट कहलाएगा। अब देखिए मुझे D1 और D2 के बीच निकालना था एंगल, तो वो होगा दो ढंग से निकालना है। पहला हम बता रहे हैं आपको यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, और तो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम आपको बताए हुए हैं ऑलरेडी कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ठीक तर्ज पर इसी के आधार पर जैसे ए डॉट बी मैंने आपको बताया था, उसी तरह अगर मैं कहूँ D1 डॉट D2, तो आप क्या कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D2 कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर D1 एंड D2। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू D1 डॉट D2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ D1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D2। आपको मैंने बताया है डॉट प्रोडक्ट के कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये कंपोनेंट फॉर्म होगा D1x इंटू D2x प्लस D1y इंटू D2y और प्लस D1z इंटू D2z, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो जीरो है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ D1x। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं D1x का होल स्क्वायर प्लस D1y का होल स्क्वायर इंटू D2x का होल स्क्वायर प्लस D2y का होल स्क्वायर। अब देखो बंधु D1x है 6 और D2x है -6, तो -6 × 6 प्लस D1y है 3, D2y है 3 × 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर D1x। D1x आपको है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये है D1y है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू D2x है आपको -6, तो हो जाएगा ये 36 प्लस D2y है 3, तो हो जाएगा 9। तो देखो बंधु ये हो जाएगा -36 प्लस 9
डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9, 6, 15 के 5 हासिल 1, 3, 1, 4। ये हो गया 45। 30 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 45। ये हो जाएगा 3 × 27 और 15 × 3 = 45। ये हो जाएगा आपको 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। ये आपको हो गया -3/5। तो हमने आपको cos थीटा निकाल दिया है, यानी थीटा हो जाएगा cos इनवर्स -3/5। अब देखो बंधु, ये तो हमने निकाल दिया है। अब हम आपको यही चीज निकाल रहे हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों मेथड से मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखें। हमने आपको बताया था A×B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। यहां से हम बताएंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म हम लिखे हैं तो साइन थीटा होगा आपको एक मैग्नीट्यूड ऑफ A×B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखो बंधु, मैं आपको यहाँ पर D1 D2 लिया हूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ D2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ D1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D2। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लें, बिल्कुल आसान है। D1 क्रॉस D2, मैंने आपको D1 क्रॉस D2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बतलाया था, तो इसे आप लिखोगे IJK D1X इंटू D2I। अब आपके सामने D1X है 6, D1Y, तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। D1X D1Y D1Z D2X D2Y और D2Z। ये मैं आपको बताया हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब यहाँ से इसे मैं लिख रहा हूँ, इसे गौर से देखें, IJK। देखिए D1X है आपको 6, तो यहाँ लिखूंगा 6। D1Y है 3, लिखूंगा 3 और ये है 0। D2X है -6, देखिए D2I है 3 और ये है 0। इसे मैं आपको एक क्लास लिया था डिटर्मिनेंट में और कहा था कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो ये आमने सामने को चूर चूर कर दीजिए तो ये 0 - 0 होगा। माइनस जे लीजिएगा, आमने सामने को चूर चूर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 - 0, तो ये हो जाएगा 0 + के लिखिए तो ये हो जाएगा 20। ये हो गया आपको 18, माइनस माइनस हो जाएगा आपको +18, यानी हो जाएगा 36 के। तो देखो बंधु, ये 36 के आया है। अगर मैं आपको कहूं
इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए, तो डी वन क्रॉस डी टू का मैग्नीट्यूड हो गया 36। तो बंधु साइन थीटा जो होगा, देयरफोर साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वन क्रॉस डी टू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी टू। इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड 45 मैंने बताया है, तो रूट अंडर 45 इंटू रूट अंडर 45 इक्वल टू 36 बाई 45। तीन दूना छ, तीन एक बार लगेगा, तीन पचे 15, तीन चौक 12 और तीन पचे 15, ये हो गया आपको 4/5। देखिए बंधु, यानी आपको थीटा निकल गया है साइन इनवर्स 4/5। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप एक काम करो, जरा निकालो। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया है 16/25 और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है 9/25। आप जानते हैं एलसीएम 25 होगा 16 + 9 इक्वल टू 25/25, कैंसिल होके हो जाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना भी चाहिए और आया भी। इस प्रकार बंधु हमने D1 और D2 के बीच एंगल निकाला यूजिंग डॉट प्रोडक्ट और यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, साथ ही साथ आपको वेरीफाई भी कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। तो बंधु आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ कुछ नए नए प्रॉब्लम के साथ, कुछ ट्रिक और टेक्निक के साथ। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।